अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सब ठीक है। और आज जो हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं दैट इज सबनेटिंग आईपी नेटवर्क्स। हम लोगों ने वीक 8 तक हम लोगों ने ओएसआई लेयर थी वो कवर की थी, टीसीपीआईपी लेयर कवर की थी। देन हमने ओएसआई लेयर और टीसीपीआईपी लेयर को हमने कन्वर्ज करके हम लोगों ने फिजिकल लेयर को देखा था। फिजिकल लेयर के हमने डिफरेंट केबलिंग सिस्टम्स को देखा था, डिफरेंट जो केबलिंग के हमारे तरीके हैं, जैसे क्रॉस केबल हो गया, रोल ओवर केबल हो गया, स्ट्रेट केबल हो गया, देन ईथरनेट केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई, ईथरनेट की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनको हम लोगों ने देखा था। देन सेकेंडली हम लोगों ने डेटा लिंक लेयर देखा था। डेटा लिंक लेयर के अंदर हमने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स देखे थे, डिफरेंट जो हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट था जिसमें अलोहा, स्लॉटेड लोहा, वी लैंस, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, ये सब हमने देखा था। फिर हम लोग लेयर 3 की तरफ आए थे जो कि नेटवर्क लेयर या राउटिंग लेयर भी उसको कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा नेटवर्क लेयर को शुरू करेंगे। नेटवर्क लेयर को जो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें आईपी स्कीमिंग पढ़नी पड़ती है, और हम लोगों ने इस पर एक लेक्चर कर भी चुके हैं जिसमें हम लोगों ने आईपी एड्रेस देखा था कि आईपी एड्रेस बेसिकली होता क्या है एंड डिफरेंट उनके सबनेट मास्क क्या होते हैं। अगर हम देखा जाए तो जो आईपीज हैं बेसिकली उनकी 3 क्लासेस होती हैं, ओरिजिनली तो 5 क्लासेस होती हैं, लेकिन जो यूजेबल होती हैं वो 3 क्लासेस होती हैं जो हमें होस्ट को हम देते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्लास ए होती है जो कि विद अ सबनेट मास्क ऑफ /8 जो हम आगे जाके देखेंगे क्या होता है उससे होती है। देन हमारे पास क्लास बी है जो कि सबनेट मास्क जो विद डिफॉल्ट मास्क ऑफ /16 वो भी हम आगे देखेंगे जाके। देन देयर इज क्लास सी, फिर क्लास डी जो है बेसिकली वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती है, एंड देन क्लास ई जो है वो बेसिकली जो IEEE वालों ने अपने रिसर्च पर्पजेज के लिए रखी हुई है। अब आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं सबनेटिंग से। इनिशियली हम सब देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड सबनेटिंग और सबनेटिंग है क्या बेसिकली। इट्स अ ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन बेसिकली क्या होती है कि अगर आप सिंपल यहाँ पे भी देखें, ये हमारी एक डोमेन है या ये हमारा एक सिंपल सा आप कह सकते हैं लैन है या सपोजिटली मैन है, ठीक है। ये हमारी एक बिल्डिंग है जिसके अंदर ये डिफरेंट यूजर्स हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो एक राउटर के इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। ये जो इंटरनेट बेसिकली आप देख रहे हैं, अब इंटरनेट जब इन लोगों ने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है तो वो थ्रू दिस राउटर जो है हमारा वो बाहर जाएंगे। राउटर की एक ब्रॉडकास्ट डोमेन दिस इज इंटरनेट, और अगर हम एक और ब्रॉडकास्ट डोमेन यहाँ पे कर लें जिसके अंदर बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं और वो एक और सपोजिटली एक और बिल्डिंग है, ये हमारी एक डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ब्रॉडकास्ट डोमेन का बेसिकली हम जो नेटवर्क लैंग्वेज में कहते हैं कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, और ये ब्रॉडकास्ट डोमेन और ये ब्रॉडकास्ट डोमेन आपस में कम्युनिकेट अगर करेंगे तो थ्रू दिस राउटर। वैसे ये आपस में बिल्कुल सेग्रीगेटेड है, कोई आपस में इनका ताल्लुक नहीं है, दे आर डिफरेंट। दिस इज एक्चुअली अ ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर हर जो होस्ट है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू दिस इंटरफेस। ये इंटरफेस और ये इंटरफेस दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स में हैं, तो ये दोनों इंटरफेसेस हैं, इनका आपस में कोई बेसिकली कनेक्शन नहीं है। ईच राउटर इंटरफेस कनेक्ट अ ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट आर ओनली प्रोपोगेटेड विद इन इट्स स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट डोमेन। जो भी मैसेज होगा इस ब्रॉडकास्ट डोमेन का वो इसी ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर सर्कुलेट करेगा, इस हर स्विच के पास हो जाएगा एंड जिस होस्ट को होगा वो होस्ट तक पैकेट पहुंच जाएगा। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे एक होस्ट है एंड वो होस्ट ने इंटरनेट से बात करनी है, याहू मेल या कोई गूगल के किसी वेब सर्वर्स पे अपना एक्सेस करना है, तो वो थ्रू जो है इस राउटर की होके फिर बाहर इंटरनेट की तरफ जाएगा और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इस डोमेन में अगर कोई और भी अगर हमारे पास यूज़र है तो वो इसी रूट के थ्रू हमारा बाहर इंटरनेट पर जाएगा। दैट इज़ हाउ अ ब्रॉडकास्ट डोमेन वर्क्स। नेक्स्ट व्हाट जो प्रॉब्लम्स हैं, द प्रॉब्लम्स विद द लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन्स के, हमारी जो बड़ी अगर जितनी बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन होगी उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन का हमें अगर हम सिर्फ फ़ायदा देखें तो कि सारे यूजर्स एक से कनेक्टेड हैं
और हम सबसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो हमें कोई सा भी राउटर लाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जब भी हमने कम्युनिकेट करना है ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर, तो हमें राउटर चाहिए। अगर हम राउटर्स, क्योंकि राउटर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, स्विचेस की कॉस्ट कम है, स्विचेस को मैनेज करना आसान है, इसलिए हम स्विचेस के अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है? ये दो पॉइंट्स हैं, स्लो नेटवर्क ऑपरेशन ड्यू टू सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। जब ये ब्रॉडकास्ट डोमेन हमारे पास है, अब ये हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, अब इसमें जितने ज़्यादा यूजर्स होंगे उतनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी। सपोज इस राउटर ने इंटरनेट से कोई पैकेट लेके आना है और एक होस्ट को देना है, और जितने ज़्यादा होस्ट होंगे उतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट होंगी टूवर्ड्स इंटरनेट के, मुझे ये वाली वेबसाइट एक्सेस करनी है, मुझे ये वाली वेबसाइट एक्सेस करनी है, मुझे ये चीज़ डाउनलोड करनी है। तो वो जिस अमाउंट ऑफ ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और स्लो डिवाइस ऑपरेशन बिकॉज ऑफ डिवाइस मग एक्सेप्ट एंड प्रोसेस ईच ब्रॉडकास्ट पैकेट। अब इस इंटरफेस ने सारे जो पैकेट्स हैं वो यहाँ से बाहर इंटरनेट को लेके जाने हैं और इसी ने सारे ब्रॉडकास्ट करने हैं। बेसिकली कंजेशन होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एकोमोडेट करनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा हैंग होने के चांसेस हैं या ज़्यादा पैकेट ड्रॉप होने के चांसेस हैं। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हमारी, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतना हमारा डेटा जो है वल्नरेबल होगा। हमें बड़ा देखभाल के ये चीज़ करनी पड़ती है कि जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे उतनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी। इसलिए हम डिवाइड एंड कॉन्कर कहते हैं कि जितनी कम, जितनी छोटी हमारी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होंगी उतना हमारा पैकेट जो है, उतना जो हमारी ट्रैफिक है वो कंट्रोल में रहेगी और उतना हमारा स्मूथ रन करेगा, ना हमारे पास कंजेशन क्रिएट होगा, ना हमें पैकेट ड्रॉप होने का कोई डर होगा। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन। सॉल्यूशन नेक्स्ट कि रिड्यूस द साइज ऑफ द नेटवर्क टू क्रिएट अ स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन इन प्रोसेस कॉल्ड सबनेटिंग। अब व्हाट इज सबनेटिंग? कि हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर सपोज एक यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी है, और इकरा यूनिवर्सिटी की अगर आप देखा जाए तो तीन से चार हमारी बिल्डिंग्स हैं। अब उन तीन से चार बिल्डिंग सब एक जगह अगर आप कनेक्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी, और जिसकी वजह से हमारे पास पैकेट ड्रॉप होने के चांसेस हो सकते हैं या उसको मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले यह है कि हर बिल्डिंग को हम अलग अलग सेगमेंट कर दें, और उससे हम आगे देखेंगे कि हम सिर्फ बिल्डिंग्स के लिहाज से नहीं कर सकते, हम डिपार्टमेंट के लिहाज से भी उनको सेगमेंट कर सकते हैं। हमने स्मॉलर एक बड़े नेटवर्क को जब छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सबनेटिंग। अब आगे जाके देखेंगे कि सबनेटिंग बेसिकली अन आईपी टर्म्स क्या होती है, लेकिन सिंपल हमारे पास सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि हम उन अपनी अपने बिल्डिंग्स के हिसाब से, अपने ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से, या अपने जो सेगमेंट्स हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिहाज से हम इनको डिफरेंट नेटवर्क्स में डिवाइड कर, सबनेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दीज स्मॉलर नेटवर्क स्पेसेस आर कॉल्ड सबनेट्स। सबनेटिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नेटवर्क को छोटे सब नेटवर्क्स में डिफाइंड, जो सब नेटवर्क्स के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं, एंड सबनेट्स उन जो पोर्शंस ऑफ द ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं उनको हम सबनेट्स कहते हैं। अब रीजंस फॉर सबनेटिंग अगर आप देखा जाए तो ये फ्लोर वाइज अगर हम देखा जाए कि हर फ्लोर पे, सपोज हम हर फ्लोर को एक अलग नेटवर्क देना चाहते हैं ताकि वो इजीली मैनेज हो जाए। एक राउटर है जिसकी इस इंटरफेस के ऊपर, ये इंटरफेस के ऊपर डिफरेंट नेटवर्क है, इस इंटरफेस के ऊपर डिफरेंट नेटवर्क है, इस इंटरफेस के ऊपर डिफरेंट है, इस इंटरफेस के ऊपर डिफरेंट है, और इस इंटरफेस के ऊपर डिफरेंट नेटवर्क है। और हमें कैसे पता चला नेटवर्क का? अगर आप /24 देखें, हम लोगों ने क्लास में भी देखा था कि /24 का क्या मतलब है, कि एक आईपी एड्रेस जो होता है वो चार ऑक्टेट से मिलकर बनता है। व्हाट इज ऑक्टेट? ये 8 बिट्स हैं, ये भी 8 बिट्स हैं, ये भी 8 बिट्स हैं, और ये भी 8 बिट है। 8 बिट से हम जो मैक्सिमम नंबर बना सकते हैं दैट इज 255, और जो मिनिमम नंबर बना सकते हैं दैट इज 0। सो 0 से 255 के अंदर ये हमारा वेरी करता है। एंड /24 का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑक्टेट 8, सेकंड ऑक्टेट 16, थर्ड ऑक्टेट 24। तो ये जो हमारा है ये बेसिकली हमारे नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। /24 का मतलब ये है कि ये सारी नेटवर्क बिट्स हैं एंड ये हमारे होस्ट हैं। अगर हम होस्ट देखा जाए तो इसके अंदर क्योंकि 0 से लेकर 255 तक नंबर्स वेरी करते हैं तो टोटल ये 256 बनता है, तो 256 होस्ट इस नेटवर्क के अंदर आ सकते हैं। अब अगर हमने नया नेटवर्क बनाना है तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा,
इस एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा। अगर ये एड्रेस सेम है तो वो एक सेम नेटवर्क के अंदर होगा। जैसे सपोज अगर हम फर्स्ट फ्लोर को देखते हैं 10.0.1.0, अब ये वाला पोर्शन जो है दैट इज नेटवर्क एंड दिस इज होस्ट /24 में। सो इसी के अंदर अगर अगला हम होस्ट या अगला आईपी होगा तो दैट वुड बी 10.0.1, ये हम चेंज नहीं करेंगे, इधर हम 1 रख देंगे, नेक्स्ट होस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद 10.0.1 अगेन हम नेटवर्क को चेंज नहीं करें, दैट वुड बी 2। सो हमने ये डिफरेंट एक ही नेटवर्क के अंदर जो फर्स्ट फ्लोर है उसके अंदर ये 3 डिफरेंट होस्ट हैं। अगर हम नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं तो हम इसको फुल करके इसको चेंज कर रहे हैं, अब नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। सो जो हमारा सेकंड फ्लोर है दैट इज 10.0.2.0 यहाँ से शुरू हो रहा है। अब हमने कहाँ चेंज किया, नेटवर्क के अंदर। सो नेटवर्क बिट्स के हमने चेंज किया तो नया नेटवर्क बन गया। इसी तरह हम नेटवर्क्स के अंदर चेंज करते हैं तो नए नेटवर्क बन जाते हैं, लेकिन होस्ट जो होता है अगर उसको चेंज करेंगे तो वो सेम नेटवर्क के अंदर ही रहेगा। होप अपना पॉइंट जो है अच्छी तरह एक्सप्लेन करने में कामयाब हुआ हूँ। हम आगे भी देखेंगे, आगे सारा जो लेक्चर है ज़्यादातर हमारा सब नेटिंग पे ही इन्वॉल्व है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगेन रीजन फॉर सब नेटिंग, लास्ट स्लाइड में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग फ्लोर वाइज इसको नेटवर्क्स को अलग अलग कर रहे हैं या ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बना रहे हैं। ये एक अलग ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये अलग और एक ये अलग। सो ये 5 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन है। अगर यहाँ पे देखा जाए, इधर हमने जो ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाई है वो हमने फ्लोर्स के हिसाब से नहीं बनाई है, वो हमने बनाई है डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट, ये एडमिन डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट्स एंड अकाउंटिंग या फाइनेंस का डिपार्टमेंट माना। अब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, हो सकता है अकाउंटिंग वाले आधे लोग जो बैठे हुए हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हैं, आधे सेकंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं, कुछ थर्ड फ्लोर पे बैठे हुए हैं। सो एचआर वाले भी कुछ फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हैं, कुछ सेकंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं। तो हम अब ज्योग्राफिकल वाइज हम उनको सेग्रीगेट नहीं कर रहे, अलग नहीं कर रहे हैं। अब हम जो अलग कर रहे हैं उनको डिपार्टमेंट वाइज अलग कर रहे हैं कि एचआर वाला बंदा एडमिनिस्ट्रेशन से जो बात करनी है वो थ्रू इस राउटर बात करेगा, ये राउटर उसको परमिट करेगा तब वो उससे बात कर सकता है। स्टूडेंट्स ने अगर एचआर से बात करनी है तो वो थ्रू दिस राउटर बात करेंगे, अगर राउटर इजाज़त देगा तभी ही हम एचआर से बात कर सकते हैं या अकाउंटिंग से या एडमिन से बात कर सकते हैं। और किसी ने भी इंटरनेट पे जाना है और किसी ने भी इंटरनेट को एक्सेस करना है तो वो थ्रू दिस राउटर ही होगा अगेन। सो ये है जिस तरह हमारा फंक्शन करता है हमारा, हमने सब नेटिंग करनी है या नेटवर्क्स बनाने हैं तो हम इस तरह बना सकते हैं, ज्योग्राफिकल वाइज भी बना सकते हैं एंड डिपार्टमेंट वाइज भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन ग्रुप डिवाइसेस एंड सर्विसेज इनटू सबनेट्स दैट आर डिटरमाइंड बाय डिवाइस टाइप। अब डिवाइस टाइप के तौर पे कि वेब सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स को हम एक सबनेट के अंदर डाल सकते हैं, हमारे जो होस्ट हैं जैसे स्टूडेंट्स हमारे उसमें हैं वो एक उसमें अंदर डाल सकते हैं, जितनी भी प्रिंटर फैसिलिटीज़ हैं वो हम एक सबनेट के अंदर डाल सकते हैं। सपोज हमारे पास वायरलेस जो कंट्रोलर्स हैं, जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स हैं, उसको हम अलग लैन के अंदर डाल सकते हैं। तो अब डिवाइस वाइज हम लोग अलग अलग कर रहे हैं अपने नेटवर्क्स को। सो तीन बेसिकली तरीके हमने देखे हैं जो जिस तरह हम सब नेटिंग कर सकते हैं या अपने एक यूनिवर्सिटी के एक नेटवर्क को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल वाइज, बिल्डिंग वाइज या फ्लोर वाइज कर सकते हैं। सेकेंड, हम लोग उसको डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं, जैसे एचआर हो गया, एडमिन हो गया, सपोज सेल्स हो गया अगर किसी और ऑफिस में है। देन थर्ड इज डिवाइस वाइज कि हम वेब सर्वर्स को अलग कर रहे हैं, सही है, जो हमारे सपोज जो हमारे पास ये वायरस एक्सेस पॉइंट्स हैं उनको हम अलग कर रहे हैं, होस्ट को हम अलग कर रहे हैं, प्रिंटर्स को हम अलग कर रहे हैं, कुछ और डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो कि जैसे वॉइस ओवर आईपी है तो वॉइस के जितने भी टेलीफोन होंगे उनको जो आईपी मिलेगा वो डिफरेंट उस जो डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर होगा। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम जो है वो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब नेटिंग एंड IPv4 नेटवर्क, वहाँ से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।